हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम लोग एक कर्जत में भलीवाड़ी में एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है ब्रदर्स। काफ़ी अच्छा एक सिंपल स्वीट, जैसे मैंने पहले भी आपको कर्जत में जो ऑप्शन दिए वैसे वही सिमिलर काइंड में मैं एक और ऑप्शन लेके आया, वो ब्रदर्स रिजॉर्ट करके रिजॉर्ट। काफ़ी अच्छा है, स्वीट एंड सिंपल, फैमिली वगैरह के लिए। आपके एक बड़ा ग्रुप है, कॉरपोरेट का ग्रुप है, एक विला है बड़ा सा 6 BHK, और दो बाजू में कॉटेज है। कॉमन रिजॉर्ट है, शेयरिंग रिजॉर्ट है, ठीक है। बड़ा सा स्विमिंग पूल है, स्टेशन से आपको पकड़ के चलो 10-15 मिनट ऑटो, शेयरिंग ऑटो वगैरह या लमसम में ऑटो प्राइवेट आपको मिल जाएगा। इवन आप आपके जो प्राइवेट व्हीकल उससे जब आ रहे हो तो आपको कार पार्किंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ट्रेन से आ रहे हो तो भी बेस्ट ऑप्शन है, प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो भी बेस्ट ऑप्शन है। पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लो, मैं पूरा वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ क्या है, किस टाइप के रूम है। वीडियो देखने के बाद भी अगर डाउट आएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, बट उसके लिए आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा। चलो स्टे पार्ट। स्टे में आपको चार रूम होने वाले हैं, चारों रूम दिखाऊंगा क्योंकि अलग अलग साइज के, तो मैं चारों रूम आपको कवर कर लेता हूँ। और एक प्राइवेट विला इन द सेंस एक विला है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आ जाओ, ये देखो, ये फर्स्ट रूम है। यहाँ पे डबल बेड है बड़ा सा, ओके, आराम से 3 जन सो सकते हैं, काफी सुपर किंग साइज का है। यहाँ पे 2 जन का अकोमोडेशन है, बेड है, एक्स्ट्रा मैट्रेस भी कर सकते हो, तो आराम से 5-6 लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। व्यू आपको पूरा लॉन का व्यू मिलेगा, ग्रीनरी, ओके। ये बेड में से आपको स्विमिंग पूल का व्यू मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ, अब देख लो एक बार, ओके। वॉशरूम चेक कर लेते हैं, काफी स्पेशियस वॉशरूम है। इंग्लिश आपको प्रॉपरली टॉयलेटरीज एंड एवरीथिंग प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। तो सेकेंड पार्ट ऑफ रूम डॉर्मेट्री पार्ट है, काफी एक अलग स्ट्रक्चर का डॉर्मेट्री आप देख सकते हो। यहाँ पे एक दीवार में ये साइड में दो आपके ये दो डबल बेड्स है, यहाँ पे आप लोग 4-5 लोग नीचे भी मतलब यही एरिया में आप लोग 6 लोग आराम से अकोमोडेट कर सकते हो। अगर आप बॉयज गर्ल्स का ग्रुप आ रहे हो तो ये साइड में बॉयज, वो साइड में गर्ल्स, वैसा कर सकते हो। वॉशरूम है, डॉर्मेट्री में 2 वॉशरूम होने वाले, ठीक है। गीजर वगैरह सब कुछ प्रॉपर प्रोवाइड होगा, टॉयलेटरीज इंग्लिश है। ये वाला सेक्शन देखते हैं, ये बीच में दीवार है, तो यहाँ पे समझो बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स, फैमिली सेक्शन है, तो आधा आधा फैमिली वहां पे, आधा यहाँ पे भी 2 बेड्स है, एक्स्ट्रा मैट्रेस करके 6, मतलब टोटल अकोमोडेशन जो है डॉर्मेट्री का 12 इजीली हो जाएगा विद एक्स्ट्रा मैट्रेस, स्पेशियसली एकदम आप लोग रह सकते हो। एसी अलग अलग है दोनों, इसमें 2 AC है डॉर्मेट्री में और 2 वॉशरूम, ये वाला एक वॉशरूम है, ये भी काफी स्पेशियस है, ओके। गीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पे भी होने वाला है, टॉयलेटरीज प्रोवाइड हो जाएगा सब कुछ, ओके। तो एक प्रॉपर डॉर्मेट्री फॉर बिग ग्रुप, डन। थर्ड टाइप ऑफ रूम सिंगल फैमिली रूम, छोटा वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 लोगों का अकोमोडेशन है, 2 या 3 लोग आप स्पेशियसली बेड पे, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस, 4 लोगों का कंफर्टेबल अकोमोडेशन हो जाएगा। एसी है, फैन है, ओके, बाहर बैठने के लिए बालकनी है, और वॉशरूम, स्पेशियस वॉशरूम विथ टॉयलेट, इंग्लिश, गीजर, टॉयलेटरीज, एवरीथिंग। तो विला पार्ट एक 6 BHK का विला है आपका, तो ऐसे नहीं कि पूरा प्राइवेट ही मिलेगा, डिपेंड ऑन आपका कितना लोग है। अगर हाँ 25 लोग हो तो आपको पूरा विला दे देंगे, 25 लोग 30 लोग, क्योंकि उतना अकोमोडेशन है उसका। या तो फिर आप 6, 8, 10 का फैमिली हो तो उस हिसाब से डिवाइड करके, जैसे कि अभी ये नीचे का है जो मैं दिख रहा हूँ, तो आपको आ जाओ यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में ये बेडरूम है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4-5 तो ऑन बेड कैपेसिटी है, ओके। यहाँ पे आपको वॉशरूम, और हर रूम में वॉशरूम है, तो ये देखो ये काफी स्पेशियस एक वॉशरूम होने वाला है आपके लिए, गीजर सब कुछ प्रोवाइड होगा, टॉयलेटरीज एंड एवरीथिंग। तो ये एक बेडरूम है, इसमें आप 6 लोग रह सकते हो आराम से, और इसके सामने एक स्मॉल बेडरूम है जहाँ पे आप 4 लोग तो आराम से रह सकते हो विद एक्स्ट्रा मैट्रेस। तो अगर आप 10 लोगों का ग्रुप हो तो सामने वाला और ये ऐसा आपको एक मिल सकता है, या तो फिर आप 4 लोगों का छोटा फैमिली हो तो आपको ये एक रूम भी ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें भी वॉशरूम है, चेक कर लो, स्पेशियस, प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, इंग्लिश विद गीजर एंड टॉयलेटरीज, ओके। चलो
आ जाओ, ये अंदर की तरफ और दो रूम्स है बेडरूम, राइट में ये वाला एक है, यहाँ पे भी आप तीन चार लोग यहाँ पे भी आराम से स्टे कर सकते हो। एसी रूम है, प्रॉपर एम्बियंस, इंटीरियर एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ही अच्छा है, नया नया प्रॉपर्टी है। रूम्स देखो, एक स्पेशियस ही अलग स्ट्रक्चर का रूम है, ये अपना वॉशरूम है विथ आपका गीजर, टॉयलेटरीज, एवरीथिंग ओके। आ जाओ, और ये एक रूम है, यहाँ पे भी आपका प्रॉपर चार लोग से फैमिली एक रह सकता है, ऐसा है। इसका वॉशरूम यहाँ पे, तो ये मैंने नीचे का आपको विला का पार्ट दिखा दिया है, ग्राउंड फ्लोर का प्रॉपर 15 लोग नीचे ही रह सकते हो। आप 15 का भी फैमिली है ना, नीचे का पार्ट आपको दे देंगे। ओके डन। सो विला अपर पार्ट में एक ऐसा बड़ा सा डॉर्मेंट्री है, ये नॉन एसी वाला है, जो ये वाला हॉल एरिया है वो नॉन एसी होने वाला है। यहाँ पे आराम से एक्स्ट्रा मैट्रेस जो नीचे आप डालते हो वो डाल के आप सो सकते हो, 10 लोग मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने, मिनिमम 10 लोग तो आराम से रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाजू में अटैच है बेडरूम, स्पेशियस काफ़ी, ये एसी है ओके। यहाँ पे भी आप आराम से चार लोग अकोमोडेट कर सकते हो विद एक्स्ट्रा मैट्रेस। वॉशरूम चेक कर लेंगे, गीजर एंड एवरीथिंग प्रॉपर, टॉयलेटरीज, हर रूम के लिए आपको वॉशरूम है, तो उसका ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा आपको। आ जाओ, सेकेंड बेडरूम बता देता हूँ मैं, ये यहाँ पे भी बाहर बैठने के लिए आपको टेबल एंड वो जॉइन करके आप यहाँ पे बैठ सकते हो, मस्त नज़ारा। अभी बारिश गिरेगा तो ये सारा ग्रीन हो जाएगा, तो आप मस्त यहाँ पे नज़ारा ले सकते हो। स्विमिंग पूल जो भी, ये दूसरा बेडरूम, ये थोड़ा मेरा फेवरेट हो गया, ये देखो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आप चार लोग आराम से अकोमोडेट कर लोगे, चार पांच भी, पर चार मिनिमम कंफर्टेबल अकोमोडेशन चार लोग होता है। वॉशरूम चेक कर लो, सेम ओके। तो पूरा स्टे का मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कुछ डाउट रहेगा कमेंट्स में पूछ लो, बुकिंग करते वक्त कॉल फ़ोन पे पूछ लेना क्या है, कैसे रूम मिलेगा, बाकी डिटेल्स तो आपको वीडियो में मिल गया होगा। और स्विमिंग पूल पार्ट, काफ़ी बड़ा सा एक स्विमिंग पूल होने वाला है यहाँ पे, कॉमन स्विमिंग पूल है, आराम से 40 लोग साथ में एंजॉय कर सकते हो। एडल्ट एंड किड सेक्शन दोनों होने वाला है यहाँ पे, बड़ा सा एडल्ट सेक्शन है, ये आपका फाउंटेन टाइप, थोड़ा रेन डांस टाइप मजा लेने के लिए आपको यहाँ पे भी है, वहाँ पे किड सेक्शन में भी है। और ये पूरा शेड एरिया, ये रेन डांस है यहाँ पे, वाइट कलर का आप देख सकते हो। रात के टाइम में म्यूजिक चलेगा, आप ड्रिंक करके डांस वगैरह जो भी है फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये शेड एरिया है, यहाँ पे भी आप टेबल कुर्सी लगा के ड्रिंक कर सकते हो, ये भी सही है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। स्विमिंग पूल रात को 12 बजे तक रहेगा, शेयरिंग अपना कंबाइन वाला है, तो रिस्ट्रिक्शन रहता है 12 बजे तक, आपको जितना एंजॉय कर रहे आप कर सकते हो, चेक कर लो। यहाँ पे गार्डन, हर जगह पे थोड़ा ग्रीनरी तो है ही, और अभी बारिश में और होगा। गार्डन है, लॉन है यहाँ पे, लॉन से लग के आपका ये रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ पे पूरा आप जब भी आओगे वीकेंड में, आपको पूरा टेबल एंड चेयर्स अरेंज करके रखेंगे, बूफे में आपका खाना लगेगा, ठीक है। वेज नॉन वेज जो भी चॉइस है, पैकेज वगैरह मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, वेज नॉन वेज जो भी फूड रहेगा पैकेज, बूफे में खाना लगेगा, आप आपके हिसाब से लेके खा सकते हो, अनलिमिटेड फूड होने वाला है, ठीक है, चेक कर लो। तो डन इट गाइस, एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन हम लोगों को कर्जत में मिल गया है, बारिश आ रहा है तो मैं आपके लिए फटाफट नए नए ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ, और अच्छे ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये नया प्रॉपर्टी हम लोगों ने ढूंढा है कर्जत में, ब्रदर्स रिसोर्ट करके एक विला है, बड़ा सा 6 BHK, जो कि अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड हो जाएगा, फिर काफ़ी बड़ा है, या तो फिर आपका अकेले का 25 लोगों का फैमिली है, अकेले लोगों का, तो आपको अकेले के लिए भी विला दे देंगे। पर बाजू में दो कॉटेज है, इट्स नॉट अ प्राइवेट रिसोर्ट, इट्स अ शेयरिंग रिसोर्ट है ये पूरा, ठीक है। जहाँ पे टोटल अकोमोडेशन आप अगर देखोगे तो इजीली 50+ 50-60 लोगों का इजी अकोमोडेशन है, क्योंकि रूम्स काफ़ी बड़े, काफ़ी स्पेशियस है, ओके। वॉशरूम्स वगैरह भी उनके काफ़ी क्लीन एंड नीट, न्यू प्रॉपर्टी है, नीट एंड क्लीन है, गीजर्स वगैरह हर वॉशरूम में मिलने वाला आपको,
स्विमिंग पूल वगैरह है, स्विमिंग पूल बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों, शाम के टाइम पे म्यूजिक, बैठने के लिए काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट है, लॉन एरियाज है जहाँ पे आप, ग्रीनरी है, बारिश आएगा तो और ग्रीनरी बढ़ेगा, ठीक है। फिर कैंटीन एरिया, कैंटीन मतलब आपका जो बैठ के रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे आपका बूफे लगेगा वहाँ पे आप खा सकते हो, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है, पूरा वीडियो एक बार देख लो, रेट्स और सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, देख लो एक बार। सब कुछ देखने के बाद भी कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहाँ पे हमारी टीम उसको आंसर कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपके लिए नए नए प्रॉपर्टीज ला रहे हैं। आपकी तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीद है, सिर्फ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस बाकी हम देखेंगे। बाय। प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम दिल से इंडियन।